टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर। केजीएमयू में मंगलवार को चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से ठप नजर आई। यहां कर्मचारियों की नाराजगी के बाद ओपीडी पर ताला जड़ दिया गया। दरअसल कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर यहां मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच तीमारदार और कर्मचारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। आपको बता दें कि पूर्व में भी इस बात की चेतावनी प्रशासन को दी गई थी कि मंगलवार को कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। हालांकि इसके बाद भी उनकी मांगों को लेकर कोई गौर ना किया गया। इसके बाद मंगलवार की सुबह ही कर्मचारियों ने ओपीडी पर ताला जड़ दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शादाब हमसे जुड़ेंगे। शादाब, केजीएमयू के कर्मचारी धरने पर हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? इनका कहना है कि जो है मांगे पूरी नहीं हुई, उसके बाद इन्होंने एक संदेश दिया था कि हम हड़ताल पर। उसके बाद जब मांगे नहीं पूरी हुई तो आज इन्होंने ओपीडी के लिए ओपीडी से ताला लगा दिया है और लगातार ये यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको दिखलाना चाहेंगे, ये वही इनका कर्मचारी है जो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या आप हड़ताल कर रहे हैं? क्या मामला है? दो हजार 2016 में सम्मान देने के बाद जिस पर महज 6-8 संवर्ग का पुनर्गठन किया गया। क्या नाम है आपका? जी, अभी आपकी क्या मांगे हैं, क्या है? उसके बाद भी अभी कैडर स्ट्रक्चरिंग के साथ नदेश नहीं मिले गए, जिससे कर्मचारियों के सारे लाभ बाधित को लेकर आज चलेगा। जब तक अभी फिलहाल किन अधिकारियों से आपकी बात हुई है? क्या किसी अधिकारी से बात हुई है जो आपने पूरी ओपीडी बंद कर दी? अभी किसी भी अधिकारी से बात नहीं हुई, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ नहीं आया है बात। और जब तक हमारी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, अधिकारी से बात करने से कोई फायदा नहीं है। जब तक हमारी मांग पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी, हम धरना बंद नहीं करेंगे। अनवरत जारी। अभी फिलहाल परेशानी भी ओपीडी इमरजेंसी सेवा नहीं है। इमरजेंसी लोगों का इलाज ट्रामा सेंटर में सुचारू रूप से किया जा रहा है, आपको पता है। कोई मेरी कार्डियो और सारे विभाग सुचारू रूप से चल रहे हैं, केवल ओपीडी बंद है और ओपीडी इमरजेंसी सेवा नहीं। अच्छा, अभी अगर जैसे आपकी जो मांगे हैं अगर नहीं पूरी होती क्या आगे की कार्रवाई? उसके बाद हम इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करने को बाध्य होंगे। हमें तो लगता है कि शासन सरकार को इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि मरीजों को इलाज में बाधा न उत्पन्न करे और कर्मचारियों के लाभ जो भी है उनको मिल जाए। मयूरी, आप देख सकते हैं यहाँ के अध्यक्ष हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो वही तरह ये धरने में बैठे रहेंगे। फिलहाल अभी इनकी मांगे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो है बात करके हम आपको बताएंगे। जी मयूरी। शादाब, कर्मचारी किन किन मांगों को लेकर धरने पर हैं? इनकी मांगे यही है कि जो इनका सातवां वेतन है वो इनके सैलरी से जोड़ा जाए और साथ ही और भी कई मांगे इनकी ऐसी है जो जब हमारी टीम ने यहाँ मेडिकल कॉलेज के पीसी से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने जो है इनका इनकी जो मांगे हैं वो प्रशासन तक पहुँचा दी है। अब इनका ये कहना है कि हम 2016 से हम अपनी मांगों को लेके बार बार उसके बाद भी जो है कार्रवाई हुई, जिसके बाद बड़ा कदम उठाया। शादाब, वहाँ कितनी संख्या में कर्मचारी मौजूद हैं? क्या वहाँ डॉक्टर और क्या वहाँ पे शिक्षक भी मौजूद हैं? देखिए, मैं ये बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ कर्मचारी हैं, ना कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। हालांकि जब इनसे बात की गई तो इन्होंने बताया कि जो है कल परसों में शिक्षक वो भी आके यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन फिलहाल
खास एक कर्मचारी है, हम आपको दिखलाना चाहेंगे कि किस तरह यहाँ पे कर्मचारी हैं। बड़ी तादाद में कर्मचारी यहाँ पे तकरीबन अभी फिलहाल जो अभी वो प्रदर्शन शादाब, क्या कर्मचारियों की मांग को लेकर अभी तक कोई फैसला किया गया है? देखिए मैं बता दूं कि फिलहाल के लिए कर्मचारी की जो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कोई भी ना जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पहुंचा है, कोई अभी इनकी मांग की डिमांड करने की बात नहीं। फिलहाल अगर बीसी की बात की जाए तो बीसी ने साफ तौर से शादाब, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप थोड़ा भीड़ से हटकर। फिलहाल मजबूरी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उन्होंने साफ तौर जो कर्मचारी उन्होंने बताया है कि हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं, जिसकी वजह से उन्होंने धरना दी है। वहीं अगर बीसी की बात की जाए तो बीसी का साफ तौर पर कहना है कि उनकी जितनी भी मांगे हैं वो डॉक्टर तक पहुँचा दी गई है, जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की बात की जाएगी। लेकिन उस हिसाब से अगर इनके जो कर्मचारी हैं अभी उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अभी यहाँ कोई ऐसा जिम्मेदार ऑफिसर या अधिकारी नहीं आया है जो इनकी मांगों को सुने। जी मयूरी जी, शादाब, कर्मचारी धरने पर हैं, दूर दराज से मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं, तो इस पे क्या असर पड़ रहा है मरीजों को, क्या वापस लौटना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए हम आपको बता दें कि जो ओपीडी है ना, इमरजेंसी में जो भी मरीज आ रहा है वो इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी में जा रहा है। हालांकि ओपीडी में भी परेशानियां आ रही हैं, जो मरीज दूर दूर से आ रहे हैं, किसी के कैंसर है तो किसी के पैर में दिक्कत है, उसको लेकर दिक्कतें तो बहुत आ रही है। हम आपको दिखलाएंगे कि किस तरह जमींदार देखिए बाहर ओपीडी के इंतजार कर रहे हैं कि गेट खुले, लेकिन फिलहाल जो ये हड़ताल है ये बड़ी हड़ताल है, यहाँ पे ताले लगा दिए गए हैं, इसके दरवाजे सब बंद हैं और जमींदार इंतजार कर रहे हैं। अब फिलहाल अभी जो हड़ताल के जो अध्यक्ष हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी होंगी ये हड़ताल नहीं खत्म होगी। वही अगर जमींदार की बात करें, जो मरीज के रिश्तेदार हैं और जो भी वो लोग यहाँ पे बाहर इंतजार कर रहे हैं कि हड़ताल खत्म हो तो उनका इलाज हो सके। जी मरीज, शादाब, कोई जानकारी है कि हड़ताल कब तक चल सकता है? बिल्कुल मयूरी, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे लोगों से बात हुई है उन्होंने साफ तौर पर ये बात बताई है कि अभी जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी होती ये हड़ताल पे यही तरह बैठे रहेंगे। फिलहाल अभी शासन प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे आएंगे, वो बात करेंगे, उसके बाद ही कोई हल निकल पाएगा। अभी शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी वहाँ पहुँचा या नहीं? मयूरी देखिए मैं बता दूं कि अभी जो यहाँ पे बात हुई है उन्होंने साफ तौर पर ये बात बताई है कि कोई भी अधिकारी जो जिम्मेदार अधिकारी वो यहाँ नहीं पहुँचा है। इन लोग लगातार सुबह 8 बजे से यहाँ ओपीडी बंद किए हुए हैं और अपना प्रदर्शन जता रहे हैं कि हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ताला लगा दिया है, हर जगह पे ताला लगा हुआ है, चाहे कोई भी गेट, तो उसको देखते हुए तो ये जाहिर है कि यहाँ पे कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया है जिससे इनकी मांगों को सुना जाए, क्या इनकी डिमांड है, इसको लेके अभी कोई भी अधिकारी यहाँ मौके पे नहीं पहुंचा। धन्यवाद शादाब तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।